हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी फ़ोटो इस प्रकार की फ़ोटो बनाने वाले हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है, लग रहा होगा बहुत टफ होगा भाई, मतलब पीसी लगेगा इसके लिए तो ये फोटोशॉप वगैरह, बट हम फुल्ली वर्क हम मोबाइल में करने वाले हैं ऑटोडेस्क और लाइटरूम में, तो स्टे ट्यून विद द वीडियो बिकॉज बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले ऑटोडेस्क स्केचबुक, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने PNG ओपन किया ऑटोडेस्क में, हाँ देख सकते हो PNG ही है, यहाँ से आपको लेयर्स में जाके मैं दिखा भी देता हूँ कि PNG है। जब मैंने बैकग्राउंड्स को मतलब हाइड किया तो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमें दिख रहा है, तो ये PNG ही है। इसको मेरे पिक्से प्रो एप्लीकेशन है, इसका जो प्रो, अगर आपको पिक्से प्रो का प्रो वाला चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट में पड़ा हुआ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, स्वाइप अप का स्टोरी लगी हुई है, वहाँ से आप आराम से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो सिर्फ अब आते हैं एडिटिंग पे, तो आप देख सकते हो यहाँ से आपको इम्पोर्ट इमेज पे जाना है, यहाँ पर से जब जाओगे कंपास का ऑप्शन बना है, यहाँ से इम्पोर्ट इमेज पे जाओगे जब, तो यहाँ से एक आपको एक PNG दूंगा मैं इसके ऊपर, आप हाँ एक PNG यहाँ पे दिख रही होगी आपको, क्योंकि मेरे छाते देखो जो रिब्स है मेरे थोड़े बहुत शेडोज़ आ गए होंगे वहाँ पे, आप हाईलाइट दिख रही होगी। एक इसकी ओपेसिटी बहुत कम है, 13-14% तक की मैंने बना के रखी हुई है, तो आपको कोई ओपेसिटी कम या ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे होता है कि बहुत लोग बहुत कम कर देते हैं तो ज़्यादा लगता है ना, ओवर लगता है। तो इसके बाद इसको इंपोर्ट करने के बाद अपनी छाती पर चेस्ट पर करने के बाद इसको सेट, इसको हल्का सा इरेज कर लेना अगर जो एक्स्ट्रा पोर्शन कोई आ रहा होगा। उसके बाद एक आपको एक लेयर लेनी है और एक डार्क कलर को चूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं अपने निम्पल्स के पास के जो डार्क कलर्स हैं उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और जहाँ जहाँ पर मेरे ऐसे शेडोज़ हैं ना हड्डियों की, जो रिब्स के मेरे शेडोज़ बने हुए हैं, उनको मैं दोबारा से हाईलाइट करूँगा। आप इसी तरीके से आप अपने जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको भी ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हो वाइट कलर लेके, उसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम करके। तो इसकी कोई मतलब आपके ऊपर है, फुल्ली आपके ऊपर है कैसे इसका यूज़ करते हो। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक रिब्स होगी और एक हमारी शेडोज़ वाली होगी। तो जो हमारी रिब्स वाली है ना, इसकी हम जो ब्लेंडिंग मोड रखेंगे सॉफ्ट लाइट पर रखेंगे, तो इसकी ब्लेंडिंग मोड को आप यहाँ से सॉफ्ट लाइट पर रख देना, हार्ड लाइट पर मत रख देना। तो उसके बाद जो लुक आएगा ना भाई, गज़ब का लुक आएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि मेरे जो यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं ना, जो पता नहीं क्या बोन कहते हैं, जो गले के पास जो हड्डी होती है कुपोषित का जो शिकार होते हैं उनको ही होती है, तो वहाँ पे मैंने कुछ धागे लगाए हुए थे जो लग रहा है कि सिला हुआ है मेरा वहाँ पे ना मास्क के साथ सिला हुआ है। तो उसके लिए मैंने एक PNG यूज़ किया, जिसका डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक सबका एक मैंने स्टॉक बना के रखा हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो मिल जाएगा आपको। तो उसको लेकर आने के बाद जैसे दिख रहे हो, आप देख रहे होंगे कि मैं इसको लेकर आया, उसको अपने जो वहाँ पे रिब्स जो भी हड्डी क्या है कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर बोन, तो वहाँ पर लगाने के बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को आपको रखना है डार्कन, जो सेकंड नंबर पे मिल जाएगा आपको डार्कन, उसके बाद सब कुछ गायब हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आपका रहता है उसको ट्रांसफर करके उसको अपने बिल्कुल अपने जो कॉलर बोन है उसके हिसाब से सेट कर लेना। यहाँ से हल्का सा पोर्शन रह गया, इसको मैं इरेज नहीं कर पाया तो मेरी गलती के लिए माफ़ी कर देना, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेना ताकि आसानी से मतलब अच्छा लगे, थोड़ा सा ऐसे गंदा सा ना दिखे। इतना करने के बाद मैंने इसके ऊपर कुछ स्किन टचिंग लगाई हुई है, मतलब अपने जो मेरे खुफिया ट्रिक्स हैं उसको मैंने लगाया हुआ है, तो उन सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप देख सकते हो तो स्किन की कितनी अच्छी क्वालिटी हो चुकी है, डोजन बर्न वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो पूरी मैंने सीरीज बना रखी है, तो उसको आप जरूर से चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद, बहुत अमेजिंग वीडियोस है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको स्किन के रिलेटेड, बहुत कुछ है, माइक्रो डोजन बर्निंग बहुत चीज़ें हैं, तो उसको जो जरूर से एक बार चेक कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको इंपोर्ट इमेज करना है और यहाँ से एक बैकग्राउंड लेना है, बैकग्राउंड जब लोगे तो आपके ऊपर आ जाएगा तो आप दिखोगे नहीं, तो उसको सिलेक्ट करके उसको नीचे की तरफ कर लेना, ठीक है ना। उसको मैंने नीचे की तरफ कर दिया ताकि मैं ऊपर आ जाऊँ बैकग्राउंड के, ताकि एक अच्छी सी फीलिंग आए भाई कि मैं बैकग्राउंड पे वही हूँ, मैं ही हूँ, ताकि मेरा रियलिस्टिक हमारा जो मैनिपुलेशन है कंप्लीट हो पाए। तो अपने आप को सिलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसफर करके उसको छोटा कर देना, ऐसा क्या कि बार बार उसको स्टार्टिंग में सबसे छोटा मत कर देना, मीडियम साइज़ में रखना, जैसे मैंने रखा है पहाड़ियों का, मैंने सिर से और पहाड़ियों का जो है अंदाज़ा लगा सकते हो किस हाइट पर रखना आपको। उसके बाद क्या करना है कि अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है, जब लेयर खोलते हैं हम तो अपने मॉडल पर टैप करेंगे और यहाँ पे HSL एडजस्टमेंट मिलेगा, यहाँ से आपको लाइटनेस को -25 या 30 तक रख लेना है, क्योंकि पीछे सन है और आगे लाइट ब्लॉक हो रही है, हम ब्लॉक कर रहे हैं तो हमारे ऊपर शेडो आएगी, ये याद रखना, लाइट ऑलवेज कम विद द शेडो और शेडो ऑलवेज कम विद द लाइट, तो यही सब थ्योरी है, तो इसी वजह से मैंने अपने आपको डार्कन कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, उसके बाद ध्यान से देखना, मैं इंपोर्ट इमेज करूँगा यहाँ से कंपास पे जाके इंपोर्ट इमेज, और यहाँ से एक इमेज ले लूँगा, तो इस इमेज जो है एक झाड़ियाँ हैं मेरे, देखो आगे की तरफ झाड़ियाँ आ चुकी हैं, इससे क्या होगा कि एक फील आएगा कि मैंने एक डेप्थ ऑफ फील्ड भी बनेगी, मैं झाड़ियों के बीच में बैठा हूँ और आपको मतलब इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं इसलिए PNG आपको बना के दे रहा हूँ सब कुछ का। तो अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक आर्टिकल पे डाउनलोड का आता होगा, वहाँ से कर लेना, वहाँ पे मैंने सब दिया हुआ कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे नहीं करते हैं,
आसान है, कर लोगे आप, जीनियस हो यार आप तो। तो उसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद क्या करना, आपको इंपोर्ट इमेज पे जाना है और एक फ्लावर की मैंने पीएनजी दे रखी हुई आपको, तो फ्लावर की पीएनजी आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से, डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है आपके लिए। थोड़ी बहुत गलतियाँ मैंने रेजिंग में कर दी हुई है, तो उस इरेजर को क्या करना, आप इरेजर लेके गलतियाँ माफ़ कर देना मेरी थोड़ी बहुत, और उसके इरेजर से लेके उसको इरेज कर देना। तो आप जहाँ मर्जी हाथों के बाद सेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। तो मैं हाथों में पकड़ूंगा, तो बस अपने जहाँ पे मैंने रखा हुआ आप पोजीशनिंग सेट कर लेना वहीं पर। और देखो मेरे हाथों में कनेक्टेड नहीं है, फिर भी लग रहा है झाड़ियाँ जो है हमारे आगे आ गई हैं, तो लग रहा है कि मतलब कि हमने उसको हैंडल किया हुआ है, हमने उसको हैंड में पकड़ा हुआ है। तो ट्रिक्स होती हैं थोड़ी बहुत। एंड उसके बाद क्या करना है, एक लेयर लेना है, एक ऐड पे जाके हमें प्लस का ऑप्शन बनाना है, और उसके ब्लेंडिंग मोड को आपको ओवरले करना है। ओवरले करने के बाद क्या सीन करना है आपको, जब आपको जूम करना है, जो रोज़ है ना, रोज़ का जो कलर है पिंकिश कलर का जो है ना, उसको ड्रॉपर टूल से, उसका आई ड्रॉपर टूल जो होता है उससे उसको मतलब सिलेक्ट कर लेना है। और अपने जो अपने आपने कोई भी कपड़ा पहना हो, जो भी आपने टी शर्ट पहना हो, शर्ट पहना हो, उसके ऊपर से इसके लाइनें ड्रॉ करनी है, ताकि पता लगे कि चीज़ ग्लो हो रही है। और अपने स्किन वगैरह पे दे देना, अगर आपने ऐसे मेरी तरह पोज दिया होगा तो उसी वैसे आराम से एक रिम लाइट की तरह इसको दे देना, बहुत अमेजिंग लुक देगा इसको, क्योंकि वो डिनोट करेगा कि हमारा जो फ्लावर है वो ग्लो कर रहा है। तो इतना जब करने के बाद आपको लेयर खोलना है, उसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले जरूर रखना, नहीं तो खराब हो जाएगा सारा। उसके बाद अपने मॉडल की कॉपी करनी है। कॉपी क्यों करनी है, क्लिपिंग वास वाली वीडियो जिन्हें नहीं देखी वो देख ले, तभी समझ आएगा। और इसको लॉक कर देना। इसको लॉक करने के बाद क्या करना है, इसमें वाइट कलर फिल करना है। उसके लिए एक मैं अच्छा सा कोई ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा सिलेक्ट करें यहाँ पर, तो ये तो डॉट्स वाले हैं, हाँ ये ठीक है। उसका उसके अंदर में पूरा वाइट का वाइट कलर अब ये देख लो अपने अंदर ही भरेगा, क्योंकि मैंने इसको लॉक किया। अब वर्क कैसे करता सब कुछ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी क्लिपिंग मास्क वाली, तभी वो पता लग पाएगा। और इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं रख लूँगा मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या करूँगा, जूम करूँगा। और यहाँ पे हम करने क्या जाना है, हाईलाइट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको येलो कलर चाहिए, सॉरी हम शेडो क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है मेरे को, ब्लैक कलर लेना है ना। ब्लैक कलर को लेने के बाद अपने जो, क्योंकि देखो पीछे से लाइट, सन की लाइट आ रही है, तो लॉजिकली देखो ना पीछे से लाइट रहो, डार्कनेस कहाँ पे होगी, आपके ऊपर होगी, और उसके जो मतलब आप हो तो आपकी शेडो आपके पैरों पर तो पड़ेगी, और बाकी से झाड़ियाँ जो हैं, जो भी घास फूस है, इसकी तो शेडोज है ही है ऊपर से, तो उस हिसाब से आपको एक शेडो बनानी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है, आपको एक लंबी सी शेडो भी बनानी, क्योंकि आपकी एक लंबी शेडो भी जाएगी, क्योंकि कोई भी एक जैसे मैंने फूल वाला लेयर सिलेक्ट करके उसमें बनाया हुआ है, आप चाहो तो अलग से एक लेयर ले सकते थे, मतलब वही काम करेगा। उसके बाद क्या करना, अपने मॉडल की दोबारा से कॉपी करनी है। अब इसके अंदर आपको ग्रे कलर भरना, अब ग्रे कलर कहाँ पर होता है, अब ग्रे कलर ढूंढना भी तो मुश्किल है ना। तो क्या करना है, जैसे आप कलर्स वाले सेक्शन में जाते हैं, तो पॉइंटर देख लो मैं कहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल कोने में रखना, जाके आपको बिल्कुल कोने में रखोगे तो बिल्कुल 50% ग्रे है वो, बिल्कुल ही, ठीक है ना। उसका क्या करना है, आपको कोई फिर से वही वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, लास्ट ब्रश, और उसको अपने ऊपर फिर से अप्लाई कर लेना है। और ये मेरे ऊपर ही क्यों हो रहा है, आपको जब वीडियो देखोगे मेरी क्लिपिंग मास्क वाली, तभी आपको पता लगेगा, तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर से देख लेना। अब इसके ब्लेंडिंग मोड को हम क्या करेंगे, ओवरले करेंगे। ओवरले से क्या होता है, वो चीज़ गायब हो जाती है, एंड जो हमने इफेक्ट को अप्लाई किया बस वही रह जाता है, जो लाइनें में ड्रॉ की ना बस वही रह जाता है। तो अभी क्या करना है कि आपको जो वहाँ पे ओवरले किया है, अब इफेक्ट को अप्लाई करना है, तो हमको पीछे जो सन का कलर है ना, जो येलोइश वाइटिश कलर का बीच का मिक्सअप सा है, उसको सिलेक्ट करना है। और जो ब्रश आप देख सकते हो मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, और क्या करना है, अब अपने ऊपर इसको अप्लाई करना। तो अभी क्या होगा, जब अप्लाई करोगे ये तो बस आपके ऊपर ही अप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि हमने जो ब्लेंडिंग मोड ओवरले किया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा हमारे हेल्प करने वाला है वो। तो ये में जो ट्रिक्स है आपको अगर अभी बता रहा हूँ, अगर देखना तो प्लीज़ एक क्लिपिंग मास्क वाली वीडियो मेरी हमारी जरूर से देख लेना, बहुत हेल्प होगी। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि पूरी की पूरी बॉडी पे करना है, डिटेल में करना है। उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेंगी, ध्यान देख लेना कि हम रिपेयर कैसे क्रिएट करते हैं ऑटोडेस्क में, उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी हुई है, तो उसको ध्यान से देख लेना। अब हमको क्या है कि हमको बनाने हैं धागे, जो हमारे से कॉलर बोन से निकल रहे हैं ना, उसके धागे बनाने हैं। तो हमने एक लेयर को ऐड किया प्लस के ऑप्शन से, और जो धागे या कलर है, जो भी धागा है, कुछ भी है, जो भी रील है, जो इसको हमने इसका कलर को सिलेक्ट करना है। और इसको मैं आपको ब्रश दिखाता हूँ, ब्रश कौन सा सिलेक्ट करना है, ब्रश आपको ये वाला करना है, ये वाला बेस्ट है, फेल्ट टिप पेन का के,
तो इसको लेने के बाद अब आपको क्या है कि आप किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हो। मुझे पता है कि आपका जो पोज आप करने वाले हो, सबसे पहले इसके साइज़ है ना, साइज़ आपके धागे के हिसाब से हो, तो आप अपने हिसाब से जैसा भी करना चाहते हो धागे का ड्रॉ आप उस हिसाब से कर लेना। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको दोबारा से जैसे आप ड्रॉ कर लोगे तो इसके ऊपर ना इसको लॉक लगा देना है। अब इसका कॉपी वगैरह कुछ मत करना है, सिंपली इसको लॉक लगा देना। अब मैं इसका सैचुरेशन को बढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को हल्का सा इसका कलर को मैच करना था मेरे ओरिजिनल वाले धागे से। तो अभी क्या, इसको मैं लॉक कर दूंगा, आपने देखा होगा मैंने लॉक कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं हाईलाइट एंड शेडो बनाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना हाईलाइट एंड शेडो के नहीं रह सकती। मैंने पहले ही बताया है कि हाईलाइट ऑलवेज कम विद शेडो एंड शेडो ऑलवेज कम विद हाईलाइट, तो दोनों का मिक्सचर होता है जो भी हम 3D में देखते हैं। कोई भी तो 3D चीज़ होती है वो दो चीज़ों के मिक्सर से बनी होती है, एक तो हाईलाइट एंड शेडोज के, तभी वो हमको 3D में दिखती है, नहीं तो सब की एक नहीं तो सभी चीज़ ना वैक्टर की तरह दिखता है। वैक्टर में क्या होता है कि कुछ भी 3D नहीं होता। तो आई होप आपको मतलब पॉइंट चला गया होगा, मतलब आपके दिमाग में पड़ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। तो इतना सा पॉइंट था। तो हमने धागा क्रिएट करने के बाद आपको क्या क्रिएट करना है, वो एक नीडल क्रिएट करनी है, कि जो धागे को हम इसे पिरोते हैं इसमें नीडल्स में, तो नीडल में, तो उसको एक हमने क्या किया कि अलग से लेयर ले लिया। अभी मैं यहाँ पे करूँगा वाइट कलर को सिलेक्ट करूँगा, हल्का सा ग्रे या करूँगा मैं वाइट ही करूँगा। यहाँ पे अभी मैं टेस्ट मार रहा था, तो अभी क्या करूँगा मैं बिल्कुल प्योर वाइट थोड़ा बहुत प्योर वाइट करूँगा, क्योंकि मेरे जो पीछे है वो भी ग्रे कलर का ही है, तो उसके ऊपर मैच कर जा रहा है। तो मैं प्योर वाइट करूँगा और एक तीखी सी निडल क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। आपको भी मतलब उसी जो अभी मैंने आपको बताया ब्रश, उसके हेल्प से ही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कोई और भी ब्रश यूज़ कर सकते हो आपके ऊपर, आप जैसे आप चीनियस हो कुछ भी कर सकते हो यार, गेम चेंजर मैन। देन उसको फिर से लॉक किया जाए KBC के लिए। उसके बाद उसको लॉक करने के बाद उसके साइज़ को बढ़ा के उसमें हाईलाइट एंड शेडो क्रिएट कर देंगे, तो एक नीडल की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर आप कोई भी स्पार्कल की PNG लगा सकते हो, कुछ भी। उसके बाद आप उसको ओपन करना अपने लाइट रूम में, तो लाइट रूम में ओपन करने के बाद इसको क्या करना आपको दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करना है, कोई लाइट्स वाले ऑप्शन तो हम जाते थे, क्या प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाना हमको, प्रोफाइल वाले में हमको एक मॉडर्न नाम का है, मॉडर्न 2 करके है, इसको अप्लाई करना है। इससे क्या है एक अलग ही फील आएगा हमारे फ़ोटो में। तो मॉडर्न 2 को अप्लाई करने के बाद उसके बाद क्या करना है, अब कलर्स वाले में जाना है, इसके मिक्स वाले में जाना है, और उसके बाद क्या करना है, जो हमारा ब्लू कलर है, ब्लू छोड़ो जो भी हमारा बिल्कुल एंड से पर्पल कलर है ना, पर्पल कलर के सैचुरेशन को कम कर लेना और ह्यू को -94 कर देना है। अभी मेरे केस में, क्योंकि मैंने ब्लू कलर का जो चीज़ पहनी हुई थी उस केस के लिए, तो उसके बाद मैं ब्लू लूँगा, थोड़ा बहुत चेटार करूँगा। ये आपके कपड़ों से बिल्कुल ही डिफर करेगा, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि आपके कपड़ों के जैसा ही है, आप जैसा भी अपने हिसाब से करना, आप कुछ भी कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हो, आपके ऊपर है। कोशिश करना कि ब्लैक में पहनो या ब्लू में पहनो, क्योंकि जो सीनरी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, एक मतलब कि कंपोजिशन इसे कहते हैं ना, कलरिंग कंपोजिशन बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, तो करना बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या है कि आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में इसके वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे, ताकि एक आई कैची लुक बन जाए, थोड़ी सी कलर्स को पॉप कर दे। और उसके बाद टेक्स्चर को बढ़ाना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाके इसकी क्लैरिटी को बढ़ाना है, और विग्नेट को हल्का सा कम कर देंगे। उसके बाद हमें इसके ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6% तक मतलब हमको ग्रेन्स देने हैं, ताकि हर चीज़ें मर्जब हो जाए, पिक्सल्स ना दिखें अगर कहीं भी लूज़ हो रहे होंगे तो। उसके बाद शार्पनिंग, उसके बाद मास्किंग, और एंड आपके फ़ोटो लगभग बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, मैंने बोला लगभग बन के तैयार का मेन चीज़ रह गया, आपको सिलेक्टिव एडिट में जाना है, और यहाँ से आपको ग्रेडियंट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, जो लीनियर वाला है, उसको नीचे की तरफ करना है। और आप देख सकते हो जिसे मैं रख रहा हूँ शेप, उसको आपको भी सेम ऐसे रखना पड़ेगा, और इसके एक्सपोजर को कम कर दोगे तो अलग ही लुक आएगा, ठीक है ना, बहुत गजब का। फिर से एक और आपको ग्रेडियंट लेना है लीनियर वाला, और इसको आसमान की तरफ करना है, बादलों की तरफ, जैसे आप देख सकते हो कहाँ मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद कलर्स वाले में जाना है इसको लेने के बाद, और इसका क्या है, यहाँ पे कलर होगा, कलर एच करके यहाँ पे है, तो कलर में जाने का इसको स्काई ब्लू या ब्लू के आसपास रखोगे, तो उससे एक पॉपअप टील एंड ऑरेंज वाले जो ऑप्शन होता है ना, जो वो वाला पूरा कलर ग्रेडिंग इसमें से उसको टच दे देगा, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव, आंखों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस इतना था, यहाँ से आप एक्सपोर्ट करो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ना मैं पसंद आया हो तो बता सकते हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है, और सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो ऐसे, क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल्स लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टाटा।